हाँ फिर से बताइए, भगवान शिव जी ने हेड को 10 बार ही जोड़ा जोड़ दिया था, फिर हेड को काट के फिर अपने चरणों में गिरा दिया था, मतलब हमीर देव हठीले थे। हाँ, उससे पहले क्रोध माँ के एक दोहा लिखा था कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलिक बार तिरिया तेल हमीर अटचंडे न दुजीवा, हमीर अटचंडे न दुजीवा। इसका हिंदी अनुवाद बताएंगे अभी आपको, यह कंफ्यूज गेट है। कंफ्यूज गेट है क्यों? ये क्या, ये ऐसे ही था ना? रोको मैडम, टू गेट थे, एक तो गेट था, सेकंड डोर था, ये सिंगल गेट थे, एक लिए दो काम करता था। एक वैली थी 50 फीट की, सामने गहरी खाई थी, पहले घास ये पत्ते ढक रहे थे, ये सिंगल बिल्कुल ओपन हो जाता था गेट, और एक क्लोज होता था, और जिसमें घोड़े चलते थे वो कन्फ्यूज के द्वारा सीधे वैली में गिर जाता था। ये कन्फ्यूज गेट है, और अपन जितने भी गेट क्रॉस करके आए ना, मॉर्निंग को 6 बजे खुलते हैं, इवनिंग को 6 बजे बंद हो जाता है। पूरा होटल नो लाइट, होटल लाइट वगैरह नहीं है, बड़ा होटल धर्मशाला वगैरह रुकने का सिस्टम भी नहीं है। मैम दर्शन किए और सीधा वाइल्ड लाइफ के हिसाब से बना हुआ किला बताइए, घाटी है। घाटी है इसके पीछे।